Realme 7 Wallpaper Change Setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, मैं आपको शो करके बताऊँगा कैसे आपको ये सेटिंग करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग पर, उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर ले एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक है, तो ये सेटिंग दोस्तों थोड़ा सा ऊपर में रह गया तो उसमें क्लिक कीजिए। अभी नीचे में आपको आना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सेटिंग है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड मैगजीन। उसमें क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेट वॉलपेपर, तो बस उसमें जाइए और यहाँ पर आप वॉलपेपर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको वॉलपेपर्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा फ्री में आपको वॉलपेपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई वॉलपेपर जो है अच्छा लगे तो इस तरीके से आप ओपन करके उसको जो है अप्लाई कर दीजिए तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करें एंड देंट सेट एस करके आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन वाल पे जहाँ पर भी आपको सेट करना है वो कर लीजिएगा। तो अभी आप बैक करके देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आप दोस्तों स्क्रीन पे पिंच करते तब भी आपको वॉलपेपर्स मिल जाएगा बहुत सारे, तो ये सब डिफ़ॉल्ट है तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सेट करना है तो इस प्रकार से आपको बस सेलेक्ट करना है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों वॉलपेपर चेंज करने का तरीका, बहुत सारे तरीक़ा से, तो ये भी उनमें से एक है। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।